दुर्लभ नागार्जुन बेश को नहीं उत्साहित सेवायतों ठार आरंभ कर ओडिसी नृत्यशिल्पी एवं उपस्थित समस्त जनता दुर्लभ बेश को नहीं कौन कहते चलत से मुहर पूजा पर जेहेतु आम गोटे नूतन भाव में गोटे साज सजा सब या तार व्रण दोष किमें गोटे या समय झाड़ पड़ थो विभिन्न प्रकार दोष थो कि गोड़ बाजि यही दोष को यही दोषर मुक्ति पाइबा क्षमा पाइबापी जगन्नाथ पाखे क्षमा प्रार्थना कर मंगलारोपण सह ससम्मान आकार रे बेश को श्री छामुरे अर्पण कर प्रभु सहित भाव सहित आम जड़ू से हूँ भावर ठाकुर कारण प्रभु प्रत्येक स्तर ही नाच अच्छी नाच संगीत प्रभु प्रत्येक स्तर रही श्रीमंदिर परंपरा सहित ही जड़ित अच्छी नाच और संगीत सौभाग्यर कथा मुझ मो गुरु सहित आत्येक जानी जात्रा रे महाप्रभुंर प्रत्येक धारा को आम बजाय रखीचु आज भी नुहे प्रभुंर बहुत उत्सव हो चंपक द्वादशी हो प्रभु रथजात्रा हो प्रभु स्नान पूर्णिमा हो ठाकुर चंदन चाप हो आनंद बहुत आनंद ये दुर्लभ ये मानते एमती गोटे दुर्लभ समय जेहेकि गोटे मानने पचीस वर्ष किए देखीजे मैं जोड़े जुग 12 वर्ष पर जोड़े जुग बहुत ही खुशी लगुच गोटे नुआ एक्सपीरियंस नागार्जुन बेश जो भक्त मान को टोटाली सुजोग ही मिलनी ए बर्ष कि आम गोटे नृत्यांगना हिसाब से आमको यहाँ सुजोग गोटे मिलला कि ना ठाकुर बेश खाली इतनी देखीदेबू बहुत आनंद लगे शीत काकर राति कि भी नुहे महाप्रभु आगे मानने आम गोटे आमर भक्ति प्रदर्शन करूँ से आम शोबी नाऊ राति मेकअप नहीं कि गाधे पाधे बाहर की आसीचु ठाकुर बस खाली केवल दर्शन कर स्थान बर्तमान लोकारण्य वीरवाद्य नागा बाजार ताले ताले एटी समस्ते जदिओ एटा निराडंबर शोभायात्रा होबार थिला किंतु कालिया ठाकुर साजसजा जितेबाले 16 हतियार एठारु वर्तमान जिबे शोभायात्रा रे किए बा निजर संबरण करिपारुची तेणु उद्दीपना आसुची नृत्य आरंभ हो गलानी तेणु निशाण छती घंट काहाली समस्त जिनिष बर्तमान तेणु महाप्रभु निजे जेतेबेले विशारद माने देवकन्या माने मध्य आसिकरी अदृश्य भाव रे एठी नृत्य आरंभ कर देलेनी मुझे कल्पना जहाँ करनथिली ताटु अधिक बर्तन हो गला सब आज्ञा सुखित कौन सी बेस भी सुखदेश हम आज्ञा मो आशा भी मो समस्त सेवायत भाई मैंने बेस को बहुत सुखदेश संपन्न करेंगे जय जगन्नाथ निजक बहुत धन्य मन एवं जगन्नाथ पाखे से प्रार्थना जल्दी करोना रोग को मानने दुनिया रू पूरा शेष कर दिंतु जहाद्वर कि भक्त मैंने दर्शन करें आम एति मानते अनुभव करुक आमको सुजोग मिले नृत्य प्रदर्शन करने को लोक मैंने देखा को भी मानने से आलोह करूना आम निजक बहुत धन्य मन कर जय जगन्नाथ भक्त विनोदेन करोति विविध क्रिया भक्त मान विनोदन पाई महाप्रभुंकर जानी यात्रा आउ यही सब जो बेश से बेश को दर्शन करने महाप्रभुंकर तो बेश जिते बड़े लगे समस्ते सर्वसाधारण दर्शन करेश को दर्शन कर महाप्रभुंकर मन मध्य महाप्रभु को अंकन करतु आउ बेश देखु देखला महाप्रभु जानी निज को निजे सुसज्जित करतु तेज संपर्कित अधिक आलोचना करवा आम सहित कोरापुट रु जोड़ी प्रतिनिधि गोपाल पाड़ी गोपाल जदि कह 26 वर्ष पर श्री जगन्नाथ दुर्लभ नागार्जुन बेश आज किभल रही जदि कह कोरापुटे किभल रही समस्त नीतिकांति किभल चल परेश किभल रही अनेपटे जानापी जाए बिना भक्त एथर दुर्लभ नागार्जुन बेश हो जय जगन्नाथ मुझे कही रखी सीधा साल जी कह दीर्घ 26 वर्ष पर चलित वर्ष जेहेतु पड़ी जगन्नाथ दुर्लभ नागार्जुन बेश विधि अनुसार कार्तिक मास शेष 5 दिन अर्थात पंचुक 5 दिन परिवर्ते 6 दिन पड़े अतिरिक्त दिन अर्थात द्वादशी तिथि यही नागार्जुन बेश आज जेहेतु चलित वर्ष देखा बर्तमान भक्त मान टेलीजन मध्यम ए सोशल मीडिया मध्यम जेहेतु सुजोग दि जाए देखापी जेहतु नीतिकांत विधि विधान जहाँ बर्तमान किसी समय पूर्व आलती संपूर्ण हो पंजीका करण गणना अनुसार 2020 नवंबर 27 जेहेतु आज महाप्रभु यही बेश श्रद्धा को दर्शन दौरान तो जेहतु कोणाजारी बेतर जो निर्मित यही बेश जगन्नाथ को जोधा रूपे जो सजा दि जाए जहाँ चित्र बर्तमान कोरापुट साबर शिक्षक सीधा सड़क बर्तमान देखिपे जेहतु अंटारे नागाताट्य धनुषर पूर्ण तुरु जो कटोर छुरी बाघ नक एपरी पक्ष जो सब सजासजी श्रीजगन्नाथ और बलभद्र बेश श्री हस्त अस्थ्री पय लगि रही है तो यही बेश जगन्नाथ दुई हाथ जो वलमाड़ी धरी था तो सहित तो बाम हस्त रूपा शंख डाहाण हाथ से चक्र धरी था तो देखुं सीधा साल जो चित्र देखुं जेहेतु ये जो पूर्व जेहेतु 26 वर्ष पर पुणी सबर श्रीक्षेत्र दर्शन पाँच कोरापुटवासी सीधा साल
ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼େ ସେ ବର୍ଷ ମଳତିଥିରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଏ, ଏହି ବେଶକୁ ପରଶୁରାମ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ 16 ନଭେମ୍ବର 1994 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1993 ଆଉ 3 ନଭେମ୍ବର 1968 ଆଉ 16 ନଭେମ୍ବର 1976 ଆଉ 26 ନଭେମ୍ବର 1966 ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଯଦି କହିବା 3 ନଭେମ୍ବର 27 ନଭେମ୍ବର 2020 ଯଦି କହିବା ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେହେତୁ ବେଶ ଯେହେତୁ ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା, ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଗଲା, 26 ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ ପୁଣି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ବେଶ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉଛି। ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରିବୁ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏଠୁ ଆମର ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, 26 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କେତେ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜାବିଧି ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଯଥାରୀତି ହେବ, ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ, ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋପାଳ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏଥର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାର ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।